There's been a terror attack on an Indian Air Force convoy in Poonch region. One IAF jawan has been killed, one is critical and three have been injured. विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को चुनौती, कहा पहले हम दूसरा गाल आगे कर देते हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद बदली है चीजें, उरी और बालाकोट जैसा होगा हाल। Threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. पाकिस्तान को बस simply equate कर देते हैं जी cross-border terrorism from Pakistan. कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये बातों से नहीं होगा। तो कितना पीछे छोड़ सकते हैं और कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? ये वो खानदान है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक लंबा अरसा इक्तदार के मजे लिए। इनकी अपनी दौलत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि ये दुनिया के कई मुल्कों के अंदर कारोबार कर सकते हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी बड़ा मुकाबला चल रहा है, बड़ा मुकाबला चल रहा है। ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको एप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो एप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? सारा टेररिज्म के पीछे जो सबसे मेजर बात छुपी है वो है इकोनॉमिकल वार। ठीक है कि आपने किस तरह अपने ओपोनेंट को जेर करना है, इक्तिसादी तौर पे आपने जेर करना है उसको। तो कि दहशतगर्दी करने वाला एक मौलाना के रूप में आता है, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और उसके बाद जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर ये, और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार बार कह चुके हैं कि हम घुसके मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, आज इंडिया एक बात कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रही है। पाकिस्तान इज कंसर्न, you know there is a history of cross-border terrorism. Till Modi Sarkar came, we were tolerating it, we were turning the other cheek, we were not acting. After Modi ji came, things have changed. You saw Uri, you saw Balakot. Any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan will get the appropriate response from India. We are very clear for us, Bharat first, security first. There is no compromise. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एयरफोर्स के काफिले पर शनिवार शाम को आतंकी हमला हुआ है। इस अटैक में एक जवान शहीद हो गया जबकि दूसरे जवान की हालत गंभीर है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुरक्षा बल के अधिकारी ने बताया कि ये अटैक सुरेनकोट के सनाई गाँव में हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी। राष्ट्रीय राइफल यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। एस जयशंकर ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सीमा पर आतंकवाद का इतिहास रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी हम बर्दाश्त कर रहे थे, हम दूसरा गाल आगे कर रहे थे और कार्रवाई नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद चीजें बदल गई हैं। आपने उरी और बालाकोट देखा है, इसीलिए हमने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत करारा जवाब देगा। जयशंकर की बात सुन पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा, ट्रेड और टेररिस्ट एक साथ नहीं चलेगा। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दिन पहले पूंछ के अंदर एक टेरर अटैक हुआ है। दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक व्हीकल जो है उसको टारगेट किया गया था, उसके विंडशील्ड को। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिन्होंने ये अटैक को कबूल किया हो, जो कि इंडियन एयरफोर्स के कन्वाय पे किया गया है। तो अब उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए और ये कहा जा रहा है कि एक जो था उनमें से उसकी जान चली गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कॉन्वॉय को हिट करना, और पर्टिकुलरली वो भी फौज के, एयरफोर्स के। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कोई इंडियन अब अच्छा होता क्या है कि जब भी इंडिया कोई इस तरह के अंदर कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। बट इंडियन लीडरशिप आई थिंक हैव शोन मैग्नानिमिटी। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि जी ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक है, अभी तक हमने सुना नहीं, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि भाई ये जिसमें ये कहा जा सके। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं और उस वाक़यात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ कि आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हम घुस के मारेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने जब से पाकिस्तान ने वो दिस इज़ व्हाट दे से कि जी पाकिस्तान ने जब से ये किया उसके बाद हमने जब घुस के मारा है तो अब चीज़ें बंद हो गई हैं, अब हमले नहीं हो रहे, अब ये वाक़या हो गया है। अब देखें एक इंडिया की कंसिडर्ड ओपिनियन है, पोजीशन है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। अब पाकिस्तान को वो सिंपली इक्वेट कर देते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान और उसका हम जवाब देंगे। अभी 2 दिन पहले 4 तारीख को समवेयर डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको एप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो एप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा ये, और आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह साहब बार बार कह चुके हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई तो आपको याद होगा कि CNN न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं भारत के, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे वो जो होगा। अब जाहिर बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं मेहनत करे तो हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ये जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कर्जे लेने पर मजबूर हैं इसीलिए IMF के पास जाते हैं, मेहनत करें तो हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। करप्शन की वजह से हम कर्ज की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े बड़े जो हैं वो जुमले बोले हैं। अब मैं ज़रा कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने कभी सुना है किसी को पुरानी फिल्मों के अंदर या नई फिल्मों के अंदर मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा? आज तक लाया कोई तोड़ के? ऐसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सच निकल आता है। ये सियासतदान तो हर लेवल के झूठे साबित हो गए हैं। इन्होंने हमेशा आवाम को धोखा दिया है। ज़मीनी हकायक क्या है ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूँ, तो कितना पीछे छोड़ सकते हैं और कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ये वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक लंबा अरसा इक़्तिदार के मज़े लिए। इनकी अपनी दौलत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि ये दुनिया के कई मुल्कों के अंदर कारोबार कर सकते हैं और अब ये ख़ानदान अपने कारोबार को चाइना साइड पे भी फैलाने जा रहा है। इंडिया को शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के साथ मैं मुवाजना कर देता हूँ। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं यानी जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है जिसके ज़रिए से वो दुनिया से चीज़ें खरीद सकते हैं, वो 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स हैं, 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 अरब अमेरिकी डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ये तो हो गया फ़र्क। अब ज़रा बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मशरक़ी पाकिस्तान जो अलग हो गया था, जिसको उस वक्त हमारे सियासतदानों ने और स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल ही 2 टके के लोग थे और पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ था, वहाँ तो सैलाब आते रहते थे हर वक्त, हम तो उनको रोटी खिलाते रहते थे, वो तो बहुत ही गरीब गुरबा हैं। तो उनके जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 40 अरब डॉलर के करीब है। जैसा कि आपने देख लिया, सबसे पहले हमारे लिए बहुत दुखद खबर है, हमारे एक जवान शहीद हो गए और सुन के बहुत बुरा लगता है कि आज 2024 में भी हम ये पुराने 90 के बने व्हीकल यूज करते हैं अपने ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसमें एक बुलेट प्रूफ ग्लास तक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को इसको जल्द से जल्द अपग्रेड करना चाहिए। आज अगर बुलेट प्रूफ व्हीकल होता तो आज ऐसा नहीं होता। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जो की 100% वही से पाकिस्तानी आतंकवादी आए हैं, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ ये पाकिस्तानी भारत से ट्रेड करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ टेररिस्ट भेजते हैं। इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए और जो भारत से मेडिसिन वगैरह पाकिस्तान जाता है उसे भी बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान अब नहीं सुधरेगा। जब तक इनके पास डॉलर नहीं आ रहे थे तो अटैक नहीं हो रहा था। जैसे इनको डॉलर फिर से आना शुरू हो गया है, पाकिस्तान अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है, भारत में टेररिस्ट भेजने लगा है। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।